अगर समीर साजिद बिल्डर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो हमारा कोई कार्यकर्ता उसको जो है तो लीड करके आगे बढ़ाएगा। अगर इम्तियाज जलील साहब को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो मैं चाहता हूँ कि जो सबसे आगे खड़ा रहेगा उसके पीछे तमाम जो है तो पब्लिक अपने अपने लेवल पे चलनी चाहिए और इस मोर्चे को निकालना चाहिए। अगर हमको पैटर्न गेट नहीं जाने दिए तो आने वाली 31 मार्च को जो परसुगिरिनी है, भूत का दिन है, तो आने वाली 31 तारीख को औरंगाबाद शहर में खासदार इम्तियाज जलील साहब ने एक मोर्चे का आयोजन किया है। मोर्चा जो है वो आयोजन करने की वजह ये है कि पिछले एक साल से जो है तो कोविड का दौर चल रहा है। कोविड के दौर की वजह से जो है तो कई बार लॉकडाउन किया गया, कई सख्तियाँ, कई रियायतें दी गई, तो आज एक साल गुजर जाने के बाद भी अगर हमारा प्रशासकीय हलका इतना मजबूत नहीं है कि वो कोविड का जो है तो मुकाबला कर सके, और ऐसे वक्त में जब मेडिकोस की और मेडिकल टीम की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे दौर के अंदर जो है तो औरंगाबाद शहर में 2050 मेडिकोस की जो है तो फील्ड, अलग अलग जो नर्सेज होती है, स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, रेसिडेंट्स होते हैं, इनको जो है तो भर्ती किया जा सकता था मगर इनको भर्ती नहीं किया गया। और क्या वजह है कि SSB बिल्डिंग, जो मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग जो घाटी के अंदर बनाई गई है, 150 करोड़ रुपये खर्चा करके वो बिल्डिंग बनाई गई, उसके बावजूद भी जो है तो वो बिल्डिंग का स्टार्टअप नहीं किया गया। आज जो है तो 220 ऐसे पोस्ट है जो वो हॉस्पिटल के अंदर अगर हम भर देते तो आज जो है तो SSB बिल्डिंग जो है तो हमारी 500-550 की जो है तो उसकी कैपेसिटी होती बेड की, मगर वो नहीं होके आज जो है तो वो 200 की ही कैपेसिटी है। तो खासदार साहब ने यही मुद्दा उठाया है कि अगर जो है तो वक्त रहते हमारा प्रशासन अगर ये सारी पोस्टों को भर देता और ये पूरा मेडिकल फील्ड को अगर इक्विप कर देता तो आज जो है तो औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन की नौबत मेरे हिसाब से नहीं आती। तो इसी के खिलाफ जो है तो आने वाली 31 तारीख को जो है तो खासदार साहब ने मोर्चा आयोजन किया है। इस मोर्चे के अंदर मैं तमाम सेक्युलर पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वाइट करता हूँ, तमाम NGOs को, तमाम जो है तो सोशल रिफॉर्म चलाने वाले हमारे साथियों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर औरंगाबाद शहर के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये जो मोर्चा है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं है, ये मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये मोर्चा औरंगाबाद ज़िले की तमाम आवाम, जो गरीब आवाम लॉकडाउन की वजह से परेशान है, ये उनको जो है तो इंसाफ दिलाने के लिए ये मोर्चा है। तो मैं अपनी तौर पर खासदार साहब के तरफ से और तमाम औरंगाबाद के ज़िलों के जो लोग, गरीब लोग परेशान हैं, उनकी तौर से उनकी रहनुमाई करते हुए आप सबसे अपील करता हूँ कि इस मोर्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करिए। इंशाल्लाह ये मोर्चा 31 मार्च को दोपहर में 3 बजे पैटर्न गेट से निकलेगा। अगर समीर साजिद बिल्डर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो हमारा कोई कार्यकर्ता उसको जो है तो लीड करके आगे बढ़ाएगा। अगर इम्तियाज जलील साहब को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो मैं चाहता हूँ कि जो सबसे आगे खड़ा रहेगा उसके पीछे तमाम जो है तो पब्लिक अपने अपने लेवल पे चलनी चाहिए और इस मोर्चे को निकालना चाहिए। अगर हमको पैटर्न गेट नहीं जाने दिए तो जहाँ से हम खड़े हैं वहीं से हम मोर्चा लेके जो है तो पैटर्न गेट की तरफ निकलेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार है। ये मोर्चा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है मेरे भाई, ये मोर्चा तमाम उन मतलब लोगों के लिए है जो परेशान है लॉकडाउन की वजह से, जिनके पास खाने के लिए जो है तो पैसे नहीं है। अगर प्रशासन को लॉकडाउन करना ही था तो पहले उन्होंने इन गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए था कि इनका घर कैसे चलेगा, सोचना चाहिए था कि 10 दिन तक ये लोग कैसे आप सर्वाइव करेंगे। अगर जो है तो प्रशासन इनके सर्वाइवल के लिए कुछ इंतजाम कर देता, या अगर प्रशासन हर वार्ड के अंदर जो है तो उनके खाने का इंतजाम कर देता, या हर वार्ड के अंदर जो है तो प्रशासन अपनी तरफ से इनके लिए जो है तो फूड स्टॉल लगा देता, या जो है तो NGOs का सहारा लेने की जगह अगर प्रशासन खुद अगर इन गरीब आवाम के पेट का अगर सोच लेता तो मजलिस या खासदार साहब को इसके बारे में सोचने की नौबत नहीं आती थी। हम 10 दिन में 20 दिन का लॉकडाउन कबूल कर लेते थे। अगर प्रशासन गरीबों के लिए, उनके हक के लिए अगर आगे आकर खड़े होता, उनके खाने का इंतजाम कर देता, आज देखिएगा साहब औरंगाबाद शहर में गरीब को बेड नहीं मिलता। रातों में 3-3, 4-4 बजे हम लोग जाकर जो है तो हॉस्पिटल के अंदर बेड के लिए कोशिश करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल होता है, मगर वो एक गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक हाथगाड़ी वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसको जो है तो MGM छोड़ कर जाना पड़ता है घाटी के अंदर। और घाटी के अंदर ये हाल है साहब कि एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट जो है तो पड़े हैं, लावारिसों की तरह पड़े हैं। प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर प्रशासन ये रिक्त जगहें जो पोस्टेज है डॉक्टर्स की है, स्टाफ की है, अगर ये भर देता साहब तो आज एक बेड के ऊपर आपको और मेरे को 3-3 लोगों को पड़े नहीं रहना पड़ता, हमारे लिए एक सेपरेट बेड अवेलेबल होता।
तो यही मांगों को लेकर जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने आने वाली 31 तारीख को मोर्चा रखा है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम उस मोर्चे के अंदर शामिल होइएगा। ये मोर्चा औरंगाबाद ज़िले के आवाम के लिए है, उनके हक के लिए है, एक गरीब आवाम के हक के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप भी साथ आकर आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी आवाज़ बुलंद होगी और प्रशासन तक, शासन तक हमारी बात पहुँचेगी इंशाल्लाह। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। औरंगाबाद के तमाम बाशिंदों से, यहाँ के रहने वालों से गुजारिश है कि औरंगाबाद अपडेट्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। औरंगाबाद अपडेट्स जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाय, दिस इज एंकर एमसी माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू सो मच।